सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। एंड गाइस, बहुत समय बाद एक वीडियो आ रही है, नहीं तो गाइस मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा था। और गाइस, मेरा फाइनल मुकाबला है ड्रिंकिंग सिंह के साथ। और गाइस, बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है, तो भाई फाइनल मुकाबला वन ऑफ द बेस्ट मैचेस एवर काउंट होने वाला है गाइस ये। और मैंने शुरुआत की गाइस फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एस हो गया। सो गाइस, यहाँ पे गाइस मैं थोड़ा सा आगे हुआ इस बंदे से, क्योंकि गाइस फर्स्ट अटैम्प्ट में एस होना गाइस अपने आप में बड़ी बात। और यहाँ पे गाइस हो चुका है एक अनफोर्स्ड एरर ड्रिंकिंसन का। ओ हो, मेरी तरफ से भी गाइस एक अनफोर्स्ड एरर आ चुका है। दूसरी साइड से गाइस ड्रिंकिंसन को भी गाइस मुझे हराना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई अगर ड्रिंकिंसन नहीं हारा तो भाई दिक्कत में मैं आ सकता हूँ। फॉल्ट हो चुका है गाइस यहाँ पे, लेकिन इस बार गाइस मैंने एस की कोशिश की, लेकिन गाइस ओ गाइस गाइस उसके पास बहुत ही आसान चांस था यार। मैंने गाइस उसको बहुत ही आसान चांस दिया, और अब गाइस उसके पास वापसी करने का पूरा टाइम आ चुका है, क्योंकि गाइस फर्स्ट सेट में ही ड्यूस हो चुका है मेरा ये सेकंड एस। ओ गाइस बहुत ज़्यादा दूर चला गया, इस बार फॉल्ट हो गया और एक कंपोज एरर जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो गाइस अपने फर्स्ट सर्व में तो वो जीत हासिल कर ली है, लेकिन गाइस जब उसके पास सर्विस आती है तो गाइस बहुत तेज़ खेलता है गाइस ड्रिंकिंसन। तो मुझे गाइस यहाँ पे अपना दिमाग लगाना होगा, क्योंकि गाइस ड्रिंकिंसन बहुत ताकतवर खिलाड़ी है भाई, ड्रिंकिंसन को हराना बहुत मुश्किल है यार। और गाइस मैं इस गेम को ट्राई कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि मुझे गाइस ये गेम अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि जब इतनी आगे पहुँच ही चुके हैं तो गाइस यूट्यूब पे ही क्यों ना एक वीडियो को अपलोड कर दिया जाए। लेकिन गाइस इस समय मुझे इस मैच पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होगी गाइस, बाकी की बात हम बाद में करने वाले हैं। क्योंकि गाइस अगर मैं ये मैच हार गया तो मैं फ्रांस ओपन का फाइनल हार जाऊँगा, और गाइस इससे बड़ी हार मेरे लिए और कोई नहीं, क्योंकि गाइस ड्रिंकिंसन एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खिलाड़ी है, और गाइस इसे हराना गाइस बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 5-5 गाइस 40-0 से हराया गया जिसने मुझे एस यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एस मेरा। एक और भाई डबल एस, ओ हो, ट्रिपल एस गाइस, स्पीड देखो 194। लेकिन भाई लगातार वो एस चौथी लगातार नहीं होगी, अगर जो हो जाती तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता और फ्रांस ओपन में गाइस ऐसा करने वाला मैं पहला खिलाड़ी बन जाता मुझे लगता है। लेकिन यहाँ पे एक और स्कोर पॉइंट कर लिया और एक और एस भाई साहब लगातार एस के साथ भाई 6 एस हो चुके हैं, और हाईएस्ट स्पीड देखो 194। और गाइस उसके पास गाइस सर्विस स्पीड इतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद की स्पीड गाइस उसके पास बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो जब गाइस वो सर्व करने आता है ना, तो भाई सर्व करते समय गाइस उसकी अलग ही पहचान है, और गाइस बहुत ज़्यादा ताकतवर खिलाड़ी है। और गाइस अगर बैकग्राउंड में आपको कुछ साउंड्स सुनाई देंगे तो गाइस उसके लिए मैं ज़िम्मेवार नहीं होऊंगा, तो मैं आपको से माफ़ी भी मांगूंगा बीच में किसी और की आवाज़ भी आ जाती है अगर आई तो। लेकिन इस समय गाइस अगर आप देख सकते हो तो मैं थोड़ा सा आगे निकल लूँ 30-15 के साथ गाइस। ओ हो, स्पीड देखो गाइस, स्पीड देखो इस बंदे की। ड्रिंकिंसन गाइस वन ऑफ द फास्टेस्ट प्लेयर है, और गाइस हर बार फाइनल्स में मेरे सामने ड्रिंकिंसन ही आया है, क्योंकि गाइस मैंने बाकी सारे फाइनल्स कंप्लीट कर लिए, तो मैंने सोचा गाइस इसका फाइनल हम अपलोड कर सकते हैं। और इस वजह से गाइस ड्यूस हो चुका है फॉर द सेकंड टाइम इन फर्स्ट सेट। तो भाई अगर मैं ये ड्यूस हार गया तो ये मैच तो ये सेट मेरे लिए ख़त्म हो जाएगा, और फर्स्ट सेट हार गया तो भाई दूसरा सेट जीतना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि ड्रिंकिंसन बहुत ताकतवर खिलाड़ी। और हो गया, सो गाइस वी वॉन द फर्स्ट सेट। पहला सेट भाई मैंने बहुत ही मुश्किल से जीता, मैं आसानी से नहीं कहूँगा, क्योंकि भाई बहुत ताकतवर खिलाड़ी है ड्रिंकिंसन, और उसे हराना गाइस अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इस समय मुझे दिमाग से खेलना है गाइस ड्रिंकिंसन के, अगर मैं गाइस भले ही ड्रिंकिंसन भाई यहाँ पे लीड में रहने की कोशिश करे, लेकिन अगर गाइस मैं ये जीत गया, ओ हो, एक बार फिर गाइस ये फाइनल्स मुकाबला और ड्रिंकिंसन की हालत मैंने टाइट कर दी है। ओ हो 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 5 एंड यहाँ पे ओहो कहाँ से खेल के गया भाई ये बंदा। लेकिन इस बार भाई अब मेरे पलड़ा भारी और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आ चुका हूँ गाइस। ओ हो, एक बार फिर, और अब भाई ड्रिंकिंसन पूरी ताकत लगाने वाला अपनी, और मैंने कर लिया एक और पॉइंट स्कोर भाई। ड्रिंकिंसन अब तो ख़त्म हो सकता है। ओ हो, ड्रिंकिंसन की वापसी हो चुकी है गाइस यहाँ पे। सो गाइस क्या यहाँ पे मिलेगा मुझे एक और मौका भाई मुझे इस मुकाबले को जीतने में, क्योंकि भाई अगर मैं ये सेट हार गया तो भाई अगर थर्ड सेट में गेम गया, मैं पिछले सेट में बट मत कि थर्ड सेट में गेम गया तो मेरे हारने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ना भाई यहाँ पे ड्यूस, और अब इस ड्यूस को जीतना, ओ शिट द हेल गाइस यहाँ पर व्हाट द हेल, नहीं यार
नहीं, 5-5 हो चुका है गाइस, और अब मुझे 7 करना होगा इसको। अब जब भाई मुझे अब लगातार 2 राउंड जीतने होंगे, लेकिन ड्रिंकिंसन मैन कह रहा था गाइस इतनी आसानी से बंदा जीतने देगा नहीं मुझे, एसेस की ज़रूरत इज टू विन। और यहाँ पे अब मुझे और तेज़ी से खेलने की ज़रूरत हो, भाई खेल गया लास्ट समय, भाई मुझे नहीं लगा था मैं इसको खेल जाऊँगा, लेकिन इस बार भाई अब दिमाग से, ड्रिंकिंसन भी भाई पूरे दिमाग से खेल रहा है। और गाइस फाइनल एनालिसिस में गाइस अब स्कोर देखना बहुत बड़ा बनने वाला है ये स्कोर, मुझे लग रहा है। और गाइस यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट मिलता हुआ, और ये भाई इस बार मुश्किल होगी। फोर हैंड उसका बहुत अच्छा है भाई, बैक हैंड फोर हैंड दोनों ही है उसके भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बार में लीड में भाई सब ड्रिंकिंसन को हराना है, तो भाई फोर हैंड बैक हैंड सबका अच्छे से इस्तेमाल करने की मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पे पड़े और जीत गया, अब ये बस भाई अगर मैं ये जीत गया ना तो भाई मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ओके किस्मत भी मेरे साथ, अनफोर्स्ड एरर फॉल्ट यहाँ पे भाई। अब ड्रिंकिंसन का जो है आपा, अपने आपा अपना आपा खोता हुआ, यानी कि अपना जो कंट्रोल है वो ड्रिंकिंसन खो चुका है भाई, और इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत भी थी, क्योंकि भाई ड्रिंकिंसन को हराना है तो भाई उसको आपा खोदवा दिए, क्योंकि ये होगा अनफोर्स्ड एरर्स। जब ड्रिंकिंसन जैसा खिलाड़ी का इस तरह से खेलता है तो मज़ा आता है। ओ हो, 2 ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट कर रहा है गाइस ड्रिंकिंसन एक बार फिर भाई साहब, अब ब्रेक पॉइंट कन्वर्टिंग पॉइंट्स गाइस यहाँ पे। बैकग्राउंड नॉइस के लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इस बार मैं जेब मिल गया, पोल्डर में जीत गया। इस वोट अ मैच, अब स्कोर देखो भाई 29-21, ओ माय गुडनेस गाइस, दोनों ने गाइस 92-92% फर्स्ट सर्व में पूरी ताकत लगा दी, 7 एसेस के साथ गाइस मैंने 7-5 7-5 से इस मैच को जीत लिया। और इस फाइनल को गाइस मैंने बहुत ही बड़ी मेहनत करके जीता है। और गाइस आज की वीडियो के लिए गाइस बस इतना ही, होप करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी गाइस, क्योंकि मैंने जीत लिया है एक और फाइनल। और गाइज अब मैं खेलने वाला हूँ यूके ग्रैंड स्लैम, और यूके ग्रैंड स्लैम में गाइज हम भिड़ेंगे और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से। और गाइज आगे भी देखो काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं जो कि गाइज हम खेलने वाले हैं, तो मैं यूके ग्रैंड स्लैम में आने वाला हूँ इस खिलाड़ी के सामने। तो गाइज मैं अगली वीडियो को यहीं से शुरुआत करेंगे, और गाइज मैं मिलता हूँ आपके अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो को पसंद आई हो आपको। और गाइस मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ताज़ा फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।